told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। दोस्तों आज हम मौजूद जे डी सी फाउंडेशन सिराब बोर्ड के ओवर हेड के साथ इसकी लोकेशन है और ये भी ये बुलर 20 कहलाता है। तो हमारे से शाहान भाई अपना सी एस आई मैनेजर जे डी सी के, तो इनसे मिलकर इनको इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आइए मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम शाहान भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं सीजन शाहान भाई, हमें क्या दिखाना चाहेंगे आज आप? जे डी सी फाउंडेशन का कुर्बानी बराए मुस्तहकीन के लिए किया जाने वाला, ये 11 साल से जे डी सी कुर्बानी बराए मुस्तहकीन में, ये जो आप पीछे ये ऊँट देख रहे हैं ये सफ़ेद ऊँट है और ये नायाब नस्ल होती है। आपने सफ़ेद ऊँट बहुत कम देखे होंगे, चोलिस्तान में पाए जाते हैं। हमारी टीमें वहाँ से चोलिस्तान से ये ऊँट लेके आई है। ये सारा गोश्त कुर्बानी बराए मुस्तहकीन के लिए, ईद के दूसरे दिन ये ऊँट यहाँ जुबा होंगे, 5-5 किलो के पैकेट बन के मुस्तहकीन के घर तक चले जाएंगे। अच्छा, इसको कॉन्ट्रीब्यूट किससे किया जाता है? कोई हिस्सा डालना चाहे तो किसान इसको? इसमें हिस्से के लिए ऊँट है। इसमें कराची के बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक, उन लोगों ने डोनेट किया है। अब वो जो ऐसे चलते आगे देखते आइए नासिर, आगे चलते थे अच्छा ये कैमल्स, कितने कैमल्स हैं यहाँ पे? सैकड़ों की तादाद में होते हैं, जितने चोलिस्तान से हमारी टीमें खरीदने जाती है जितने ऊँट वहाँ से मिल जाते हैं उतने ले आते हैं। अभी भी टीमें गई हुई हैं वहाँ परचेजिंग करने। सफ़ेद ऊँट जो है वो नायाब ऊँट होता है, वाइट कैमल लग रहे हैं यहाँ पे तो। आइए अच्छा ये भी वाइट है सारे, नस्ल को ये नायाब नस्ल के कैमल होते हैं वाइट। अभी आपको यहाँ पे कड़ा हुआ नज़र आएगा, दो कमान वाला हूँ। ठीक है वो, ठीक है आगे जाके देख लेते हैं। आइए तहसीन आगे चलते हैं। अच्छा थोड़ा इनके बारे में बताइएगा, ये जो भैंसे हैं ना इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये इस वक्त मंडी का सबसे बड़ा भैंसा था। इसकी खूबसूरती की बात यह है कि इसका जो फेस का कलर है वो इसके पाँव और इसकी जो दुम है वो एक सेम कलर की, ये इसकी अपनी नौयत की खूबसूरती। अच्छा अच्छा ये सोच रहा है ये माशाल्लाह ये सबसे बड़ा लग रहा है जाना। ये भी भैंसा है, इसके फेस का कलर और इसकी आँखों का कलर भी देखें, इसकी आँखें तक वाइट है, इसकी खूबसूरती है। इसकी आँखों का कलर, इसका फेस, इसकी जो टेल है वो और इसके पाँव एक कलर की। अच्छा और ये देखिए माशाल्लाह ये जानवर देखिए ना, इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलियन बोले और उसके अलावा एक नायाब जानवर है ऑस्ट्रेलियन ये सबसे नायाब चीज़ है। अच्छा बोल रहे देखिए पाँच टांग वाले, ये जानवर की पाँच टांगे हैं। ये इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनकी जानब से डोनेट किया गया है। ये हमें तोहफे के तौर पर दिया गया है, कुर्बानी के लिए नहीं दिया गया, एक यूनिक चीज़ है, आप इसे रखें इसे पालें, इसलिए उसको भी कुर्बानी के लिए रख रहे हैं। आपने पांच टांग वाली गाय नहीं देखी, उसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा प्लीज। अच्छा ये सही है माशाल्लाह, ये कुर्बानी के लिए रखेगी ना पॉइंट ऑफ, कुर्बानी के लिए उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने पालने के लिए दिया है। अच्छा ठीक चले आगे चल के देखें। आइए आइए नाजिर। अच्छा ये इनके बारे में अलावा ये चांद बैल है, कौन सा बैल है? चांद बैल है, ये इनकी एक जोड़ी है जिनके न्यूज़ चैनल भी जिनकी बड़े पैकेजेस चल रहे थे, बहुत वीडियो चल रही थी। ये मंडी में अपनी खूबसूरती के जानवर थे, बड़ी कीमत थी, तो ये एक साथ में डोनेट कर। आइए यहाँ पे आइए।
अच्छा आपके पास एक जानवर छोटे भी छोटी नस्ल के गाय भी आपके पास है ना, जो कैटल आपके यहाँ मौजूद है वो भी आपके पास अवेलेबल है। अच्छा ये भी कोई छोटी नस्ल के गाय, ये भी अब बछड़ा है छोटी नस्ल के, छोटी नस्ल के हैं तो सर मैं दो दो दांत रही हैं चार दो चार। ये जो कोने में बैठा है वो सिद्धी मेला होना है, सिद्धी मेला लगता है उसमें वो जानवर सबसे हैवी वेट होता है वो विन कर जाता है, ये वो वाले जानवर है उसमें जो पहला वाला है वो चार दांत का है, दूसरा वाला जो है वो छह दांत का है। ये पिप्पल एसोसिएट इस्लामाबाद में उनकी जानब से डोनेट किया गया। अच्छा माशाल्लाह, आइए आइए। अच्छा शायान यहाँ पे डबल कॉर्न वाले में यहाँ पे जानवर हैं, इनके थोड़े बारे में बताइए। इनके बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सर। इस दो कान वाले ऊँट जो हैं वो सूडान में पाए जाते हैं, यहाँ मुस्तफ़ा बोरी साहब हैं एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी जानिब से डोनेट किए गए हैं कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन के लिए। तो कितने हैं ये कैमल्स? ये चार हैं, ये बकरा ही चार महीने ही पहले आ गए थे, ये बारे में थे जहाँ इनकी देखभाल कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अच्छा इनके बारे में बताइए। ये जानवर जो यार नहीं होगा वो अपार्टमेंट नहीं होगा। इसके अलावा ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन सबसे बड़ा पुल मंडी का, ये बड़ा पुल है। अच्छा बहुत बड़ा जानवर है, आइए देखते हैं आगे चलते हैं, आइए इसके पास खरीद करते हैं। उसके अलावा एक आपने जिस गाय का तस्करा सुना होगा रानी पाकिस्तानी जो दुनिया की सबसे कम उम्र गाय थी, उसी के बाद ये इसका नाम नहीं वो अभी तो यहाँ नहीं है, वो जो है वो आतिफ जैदी ट्रिपल एसोसिएट के मालिक हैं, उन्होंने डोनेट की थी। अच्छा माशाल्लाह, चाहो वो पंच पेज बोल भेजना होगा उसका चेहरा करीब से देखेंगे तो एक नायाब नस्ल ही है वो। ठीक है, इसको राजा पाकिस्तानी का नाम दिया गया था मंडी में जिसकी बड़ी वीडियो भी, छोटी भाई वाइट वाले हाँ ये वाले राजा पाकिस्तानी। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल दिखाइए। ऑस्ट्रेलियन बुल्ला और मंडी में इंडिया की सबसे हैवी वेट बुल्ला वो यही था, तो ये नुकसान नहीं पहुँचा नहीं नहीं नुकसान नहीं तो ये तो हाइट भी माशाल्लाह तो 7 फुट है इंसान की हाइट से ऊँचे ही माशाल्लाह। आइए आगे चलते हैं, अच्छा शायान ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं? ये अभी रूम बन रहा है जिस याक के लिए, दो याक एक आए मुस्तफा बोरी साहब उन्होंने भी डोनेट किए, दो याक याक जो है वो एक बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं तो यहाँ उनका रहना कूलिंग के लिए, इसको कूलिंग उसके लिए इसी वगैरह लगाया है, सिलेक्टेड उनका टेम्परेचर होता है कि उसी में वो रहेंगे, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसके लिए एसी लगाया है, तो उनके लिए अलग एक रूम बनाया है। तो ये भी यॉर्क नंबर ही है, यॉर्क ही एक रहेगा या लाभ एक अलग होता है ना बालों वाला लंबे बालों वाला ना। अच्छा ठीक, बस ये सब हो गए कवर हो गए सब। शाम पर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेट पे देखा था थोड़े अच्छे जानवर आए हैं JDC वगैरह पे, तो उसमें स्पेशल जो है ना अपना पांच टांगों वाला जो ना बछड़ा भी है और व्हाइट कैमल ही आए थे, और बाकी इसके अलावा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे जो है ना जानवर आए हैं, व्हाइट जो है ना कैमल्स है काफी सारे और इसके अलावा हैवी जानवर भी हैं सारे ना। ठीक है, बहुत अच्छा है, और कौन से जानवर? बच्चे बड़े खुश हुए हैं, बच्चे बहुत खुश हुए हैं, अभी आए आधे देखे हैं और देखते हैं जो भी अच्छा लगेगा, वैसे कुर्बानी के लिए तो सारे ही अच्छे हैं सही है ना, इससे कोई तकलीफ नहीं है। चले बहुत शुक्रिया फरमाया जो ना इनकी जान से, बहुत शुक्रिया आपने वीडियो पसंद आई हुई, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो से, तब तक के लिए जाके अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।